अगर आप सहारनपुर से हैं और आपका कोई परिजन कोरोना से पीड़ित है और वह सहारनपुर के पीजीआई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है तो यह ऑडियो आपकी नींद उड़ा सकता है। इस ऑडियो में आज आपको दो व्यक्तियों के बीच हुई वह बातचीत दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे कैसे रिश्तेदार और मरीज के परिजन के बीच फोन पर यह चौंका देने वाली बातचीत होती है। आप भी सुनिए यह ऑडियो और यह अंदाजा लगाइए कि सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है। चाचा जी, मैं जो पीजीआई में चल रही थी वो 13-14 चल रही थी। अच्छा, 13-14। और यहाँ जो हॉस्पिटलाइज थे ये नहीं तो पकड़ रहे थे, 13-14 पैरामीटर पर ऑक्सीजन अगर चल रही तो थोड़ी देर का ये है। हाँ, सही बात कह रही है आप। और आदमी का आत्मा बोले भाई 13-14 का मतलब तो है कि बस फेफड़ों को फुलाना है। सही बात है, मतलब फेफड़े तो काम करना बंद कर देंगे फिर। फेफड़े काम करना बंद कर देते, जिसमें भी जाते हैं उसको देख कर अपना कहने का जी वेंटिलेटर इसे तो हटा, तो वेंटिलेटर चाहिए, अगर वेंटिलेटर रहने के भी नहीं है। सही बात है। मगर कहने का मगर भाई जो भी कुछ होगा ये मगर जी हमने क्या था कितने पे चले हो तो उनका काम है, डॉक्टर का जो वहां से सदे वहां से एडमिट हो रहे। सही बात है जी। हाँ, तो वो 13-14 पे चला के से मेंटेन कर रहे थे ऑक्सीजन को। आओ, तो फिर तड़के ही फिर इन्होंने तो फिर जी एडमिट किया ना, इन्होंने 2 पे चलाई वो, तो वो मतलब पहले तो इन्होंने 7-8 पर रखी। हाँ, एकदम तो नहीं घटा सके थे। फिर इन्होंने फिर 2 पे चलाई। ओहो, वहाँ तो जी सिस्टम ही चलाया जा रहा है इसका मतलब। है वहाँ तो नहीं सिस्टम है, वहाँ तो वही है वहाँ तो मारने वाली कंडीशन है। तो जैसा तो आप वहाँ रहे 24 घंटे, क्या अनुभव किया आपने वहाँ? कुछ नहीं है भाई, बस लोग अलग ऑक्सीजन है, बस दबा के पुड़िया देने से दकायत हो गए। अच्छा। क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, हमारे गांव का लड़का था बेचारा, चक हमारा पड़ोसी था, 60 साल उम्र थी, और बस वो तड़की निमट लिया। अच्छा जी। हाँ, डॉक्टर आ रहा या नहीं आ रहा क्या मतलब? कोई नहीं आ रहा, नाम चेहरे को हमें अपना फॉर्मेलिटी से पूरी कर रहे हैं, मतलब कोई केयर नहीं है वहाँ, तो आंकड़े छुपाई जा रहे हैं कायदे में तो यू है, मतलब यू ना पता चले कौन मर गया कौन जिंदा क्या हो रहा। हाँ, स्थिति तो यह है वहाँ। तो जैसे आप वहाँ थे, आपने किसी से बात करने की कोशिश नहीं करी है भाई कहाँ प्रिंसिपल साहब है क्या हो रहा क्या नहीं? कोई नहीं आता वहाँ से कोई नहीं। तो कितने लोग भर्ती हो रहे थे एमरजेंसी में? जो डॉक्टर देख खड़ा होता वो आइसोलेशन वार्ड था फिलहाल तेरे को, तो बस वहाँ एमरजेंसी में हुआ था डॉक्टर 2-3 पर मतलब वो राउंड पे बस दूर दूर बैठे बस। अच्छा जी, मतलब मरीज से कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा या जी रहा कोई पड़ा कोई नहीं, मतलब कितनी चल रही क्या चल रही कितने पैरामीटर पे किस मरीज को चाहिए किसको क्या चाहिए वो नहीं। डॉक्टर एक बार एक दिन में कितनी बार आया जी आपके पास? हमारे पास तो हमने तो देखो दो अपने आप ही मिले। अच्छा, अपने आप ही मिले, डॉक्टर आया ही नहीं एक बार भी देखने? बस एक आध बार आया होगा राउंड पे। अच्छा, और हाँ फिर उस तरह बात करी मगर भाई क्या कंडीशन है कहने की जी कंडीशन खराब है, इन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, अपना पहले जाना चाहो लेते जाओ। और अभी जहाँ जैसे आपने जहाँ भर्ती करा कौन सी जगह है जी? वो शर्मा हॉस्पिटल है ये, इस पर जोटा चौक पे पर्चे में तो लिख रहा जो डॉक्टर का पर्चा है ना। हाँ, मतलब जो सुविधा लिखेंगी फला फला चीज है। अच्छा, हमारा लेकिन उन्होंने कहा था कि वेंटिलेटर नहीं है मेरे पास में। तो पीजीआई में 24 घंटे रहे आप, वहाँ पे कैसा राजी मामला जो सहारनपुर में है मेडिकल? कुछ नहीं रहा, क्या कहता हूँ, बस यही है वो ऑक्सीजन देखा था हम तो लेबर 70 पहुंच गया एक बार तो इनका, फिर 84-85 हो गया, एक दिन 92 रहा। अच्छा, उस दिन नाइट को एडमिट किया, 88 था इनका जब डॉक्टर के लेके गए थे इसके पे रिना रख कर, तो जब इसको एडमिट किया उस दिन तो 92 रहा, फिर तड़के घट गया वो 80 होगा, 80 तो 88 होगा, फिर 70 होगा, यह कंडीशन रही। फिर वो 13-14 पे और अभी कितने पे चल रही जो ऑक्सीजन वहाँ हॉस्पिटल में? 2 पैरामीटर पे थी। तो अब नॉर्मल है बिल्कुल, बस ऑक्सीजन तो यह है कि 87-88 के आसपास चल रही है फिलहाल, मतलब जो आगे रुका है ना वो।
जो है के मतलब बैकअप रुके है वो 88 88 88 88 के आसपास रुके है। ठीक है 85 से आगे है कोई दिक्कत नहीं। हाँ और बीच बीच में मतलब जैसे ही दवाई देंगे जैसा स्टेम दवा देंगे वो फिर बढ़ जाएगा, फिर वो 96 98 99 100 तक पहुंच जाएगा। अच्छा हाँ तो यह स्थिति है। डॉक्टर का कहना जो है कि भाई साहब एक हफ्ता निकालना ही भारी है, एक हफ्ता अगर निकल गया तो समझ लो कि रिकवरी बढ़ती है। अच्छा अच्छा मतलब पेशेंट को बाहर से देखो जा अच्छा है, अंदर क्या पता भाई क्या हो रहा है, वो तो देखो जैसे जैसे रिपोर्ट रोज की कराएंगे। सही कह रहे आप, रोज की रिपोर्ट कराएंगे उससे पता लगेगा भाई क्या रिकवरी हुई इनकी, क्या कमी रही क्या। आदमी जिए तो 4 दिन 5 दिन रिकवरी करे तो, वहां तो 24 घंटे में लोग मर रहे हैं, वहां 24 घंटे में मर रहे हैं। अगर कल रात रह जाए तो भाई हम नहीं बचा पाऊंगे। मतलब आपको ये लग रहा कि अगर 24 घंटे और रह जाता तो मुश्किल था मामला? मुश्किल था, हमें जिस कंडीशन में तो मुश्किल था, और जिस कंडीशन में रात 24 घंटे कट गए भाई आज का दिन ही लोग कट गया तो भाई ठीक ही है। हम तो लोग खतरे के जो 7 8 दिन थे में तो हमने तो कैट ही लिए वैसे तो। सही बात है, क्या जैसे भी कटे हुए लेकिन डॉक्टर तो अपने मेथड के अनुसार मानना। हाँ नहीं सही बात है, अपनी मेडिसिन को अकॉर्डिंग देखेगा कि आपने इस तारीख में एडमिट किया रही है या आपने मेडिसिन दी रही, इससे ही वो तो उससे मैं मॉनिटर करेगा अपने। नहीं सही बात है, हमने कहा डॉक्टर साहब आप मेहनत करें, हम देखो जी बचाने वाला तो पड़ता है चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, वो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ब्लेम नहीं आने का, कहने का भाई साहब प्रयास है मेरा। वैसे डॉक्टर अच्छा है, मुझे लगा कि धर्मात्मा मतलब समाज सेवा लेवल का डॉक्टर है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।